माइंड ब्लोइंग व्यू है यार। ये हमने टिकट ले लिया है नेपाली 100 रुपये में, तो चलो चलते हैं। ये सामने स्तूप है, तो दोस्तों चल रहे हैं अभी, तो चलो। ये बौद्ध टेम्पल है, तो आप बौद्ध दिखाते हैं यहाँ का व्यू। काफ़ी क्राउड है, काफ़ी मतलब अच्छा व्यू है यहाँ। ये है दोस्तों बुद्ध ना, हमें फ्रांस के लोग मिले, वीडियो बना रहे। ये हमारे ड्रेस का देख के लेने लगे फोटो, वरना तो 2 दिन से हम भी घूम ही रहे थे और पास में खड़े थे, लेकिन ये सापा वगैरह इस पोशाक की वजह से। ये दोस्तों पीछे आप देख रहे हैं, ये बौद्ध स्तूप है। इसको 1979 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है, और 118 फीट इसकी ऊंचाई है। आपको पीछे का कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ, ये देखो। तो इसकी ऊंचाई 118 फीट है और ये विश्व के सबसे बड़े स्तूपों में से इसका नाम आता है। ठीक है दोस्तों, अब इस बौद्ध स्तूप के अंदर चलते हैं, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है। चलो हम इसके गेट से एंट्री लेते हैं। इनको तो आगे दिखाते हुए चलते हैं आपको। यहाँ पूजा चल रही है, इस स्तूप के बारे में एक खास बात बतानी आपको। कहते हैं जब ये बना था उस समय अकाल का दौर था, अकाल पड़ा था, तो लोगों ने ओस की बूंदे इकट्ठे करके उससे मतलब इस स्तूप का निर्माण किया। ये जैसे कितने ये दिए लग रहे हैं।
लगाकर अपनी मनोकामना के लिए बोलते हैं, यहाँ दिया जलाते हैं, बहुत सारे दिए हैं आपको, हो सकता है एक साथ। मैं पीछे वाले कैमरे से दिखा, देखो कितने सारे दीपक लगा रखे हैं लोगों अपनी मनोकामना के लिए। उधर भी लोग आकर दिए जला रहे हैं, देखो ये तो दोस्तों। इसी स्तूप के बारे में ये बात जानकर मुझे भी मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि यार बॉस से मतलब इसका निर्माण किया गया था, यानी कि डेडिकेशन देख सकते हो, माइंड ब्लोइंग। इसका निर्माण लगभग 590 से 600 ईस्वी के बीच में किया गया था राजा शिवदेव के शासनकाल में। तो ये इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू गूगल, और कुछ लोग यहाँ पे भी बताते हैं। ये हमारे कल्पेश भाई, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, शुभ सफर नाम से, और लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आसपास में थोड़ा सा मार्केट सा बना हुआ है। यार राजस्थानी ड्रेस का खूब क्रेज है, सब लोग मतलब जो भी लोग यहाँ खूब पहचान रहे हैं कि राजस्थान से हो क्या। तो यहाँ का ये काठमांडू का मार्केट, देखो मार्केट बौद्ध स्तूप के बिल्कुल बाहर ही है, ये बाहर का व्यू है। तो सोचा आपको थोड़ा अच्छे से यहाँ का व्यू दिखा देते हैं। ये शूज की दुकान वगैरह, तो दोस्तों बौद्ध स्तूप देख के आगे ये टैक्सी में भाई बैठे हैं, ये टैक्सी ले गए। तो दोस्तों ये था यहाँ का व्लॉग, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।